हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 7.6, जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, हमें जो है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसके थ्रू मैं समझाऊंगा किस तरह से हमें करना होगा। बाय पार्ट्स हमें करना है। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन देख चुके हैं। ठीक है, जब जो है कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, जब नेक्स्ट जो मेथड है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अब जो मेथड आया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी फेल हो रहा है इसमें, और पार्शियल फ्रैक्शन भी फेल हो रहा है, इसलिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास एक्स का। अब देखो इसमें जो है हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा ये दो फंक्शन है, तो हमने u v, पहले u आता है बाद में v आता है dx। ठीक है, u v dx इस तरह का जो है ये है हमारे पास। u पहले आता है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको v बाद में आता है, ये आ गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, फार्मूला है ये, इसको जो है जितनी बार क्वेश्चन करोगे तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ ही इसमें याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करो साथ में, जो है फार्मूला जो है अपने आप याद हो जाते हैं। ऐसे अलग से याद करने बैठते हो, थोड़ी देर याद रहते हैं, फिर जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये याद रहेगा। इसमें हमें रखना है यू को, हमें एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करना है वी का सेकेंड फंक्शन डी एक्स, उसके बाद माइनस, फिर हमें लगाना है इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट का हमें जो यू है फर्स्ट, उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। ये जो सिंबल है मैंने ये लगाया है ऊपर डैश, ये है डिफरेंशिएशन का। और इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, वी का डी एक्स। ठीक है, इसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हमारे पास फार्मूला बनता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब सवाल दूसरा ये आता है, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। इस सवाल को भी दूर करने के लिए एक हम रूल पढ़ते हैं, आई लेट। ठीक है, आई लेट ये बताता है कौन सा हमें पहले लेना है, कौन सा हमें सेकंड लेना होगा। सबसे पहले हमें लेना होगा इनवर्स, इनवर्स को हम फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लास्ट में जो होगा वो एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इधर से मैं लिखना चालू करता हूँ, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस आइलेट का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये आ गया अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, हम इसको पोलोनोमियल फंक्शन ये भी बोल सकते हैं, पोलोनोमियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी ट्रिगोमेट्री का है लेकिन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ITF, इस तरह से हमें लेना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है, देखो ये इनवर्स तो है नहीं, साइन एक्स है। ठीक है, ये इनवर्स तो है नहीं, ये खाली ट्रिगो है। ठीक है, तो और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास एक्स, ये क्या है अलजेब्राइक पोलोनोमियल, तो पहले इनमें क्या आ रहा है अलजेब्राइक, तो हम अलजेब्राइक को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, जैसे हमने इसको यू माना था, और ट्रिगो को मानेंगे सेकंड फंक्शन, जिसको हमने वी माना था। ठीक है, अब इसका जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। देखिए यहाँ पे u है और यहाँ पे u की जगह x है, तो हमने x ऐसी रखा। ठीक है, साथ साथ में इसको सुनना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड क्या है साइन x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ठीक है डी एक्स, और पूरे का फिर हमें करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये है, अभी तुम्हें ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन जब फ्लो में आ जाएगा तब जो है हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। जैसे जैसे देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन लगाना फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स डी एक्स कैंसिल तो क्या जाएगा यहाँ पर वन, मल्टीप्लाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखना जो यहाँ आएगा वही तुम्हें डायरेक्ट यहाँ लिख देना है इसकी जगह पर, और यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा था, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर लिखना है पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बाहर लिया एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस बाहर आ गया प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, वन की भी इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ऐसी रहेगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी, ये बना इसका क्वेश्चन नंबर टू। ये दे रखा हमें एक्स साइन थ्री एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन का मैंने सिंबल लगा लिया, आईलेट से हम देख लेंगे फर्स्ट फंक्शन आता है ये अलजेब्राइक, ठीक है, सेकंड फंक्शन साइन थ्री एक्स, तो साथ में देखना कैसा करोगे इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहाँ डी एक्स भी आएगा और ये पूरे में डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब देखो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स, और थ्री एक्स का जो कोफिशियंट है या थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा थ्री, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, इसका हो जाएगा जो यहाँ पर आया वो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स डिवाइड बाई में थ्री डी एक्स, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस बाहर ले लिया एक्स कॉस थ्री एक्स डिवाइड बाई में थ्री, माइनस माइनस बाहर आ गया हो गया प्लस, वन अपॉन थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन कॉस थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा x cos 3x अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x, x का कोफिशियंट 3 नीचे आ जाएगा प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x cos 3x डिवाइड बाय में 3 प्लस 3 की 3 मल्टीप्लाई होगी 9, यहाँ जाएगा sin 3x प्लस c, ये इसका बनेगा इतना इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन लगाएंगे डी एक्स। अब देखो आई लेट ये है अलजेब्रिक, ठीक है, और ये है एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रा क्या था पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन कराएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, ये रहेगा ऐसे ही एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ आ जाएगा e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया
ठीक है, बच गया यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। दोबारा से इसको देखो ध्यान से, दोबारा से इसमें क्या लगेगा, पार्ट्स लगेगा यही। तो ये है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। ये टर्म तो ऐसी रहेगी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं आई वन, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आई वन इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये इक्वेशन है पूरी हमारे पास ए। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। अब हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन द्वारा सा होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। अब ये वैल्यू जो है हमें इसमें पुट कर देनी है ए वाले में, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, ब्रैकेट में ये आ जाएगा, ठीक है, आई वन ये आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, टू की मल्टीप्लाई होगी टू ई की पावर एक्स माइनस का सी, ये यहाँ पर इतना इंटीग्रेशन इसका बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स। तो इसमें लगाएंगे वही आईलेट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको माने, ये अलजेब्राइक है ये लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम को हम मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्राइक को सेकंड। तो वही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने लॉग एक्स लिख लिया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और इसका सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा फार्मूला, अपने आप जब आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो अपने आप इसको करते चले जाओगे। तो हो जाएगा लॉग एक्स एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में एक्स का हम करेंगे इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर आएगा वही हमें यहाँ लिख देना है डी एक्स, एक एक्स से ये कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफाई करके हम इसको लिखेंगे लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन टू, मैंने बाहर ले लिया, बचा एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन अपॉन टू, दोबारा से इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस टू की मल्टीप्लाई होगी फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इतना इंटीग्रेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स लॉग टू एक्स, तो लॉग वाला क्या है, पहले आता है लॉग आई लेट में, आई लेट लॉग पहला आएगा अलजेब्रिक बाइड में, तो जो पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन सेकंड अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया डी एक्स, वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो हमने रखा लॉग टू एक्स को हमने ऐसे रख लिया, इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, थोड़ा बड़ा लगाना क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, लॉग टू एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ ये जो यहाँ आना है वही यहाँ पर आना है, ठीक है। तो आ जाएगा लॉग टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए वन अपॉन टू, लॉग टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स का कोफिशियंट टू, ठीक है, ये हो गया।
अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब देखो ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास, पहले मैं इसको लिख लूँगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 2x ऐसी रहेगा, माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स एक्स खाली क्या बचा यहाँ पर x, 1/2 बाहर आ गया डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 2x माइनस 1/2, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है, और इसको हम सिंपली करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 2x माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, यहाँ भी जो है ये लॉग फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर जो है ये है पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन, ठीक है। देखो अब मैं जो है इसको यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना डायरेक्ट करना सीखना इसको, डायरेक्ट मतलब कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स हमने ऐसे रख दिया, अब इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड का, तो मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3/3, ये मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाना। अब जो इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करा 1/ में एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/ एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ आएगा वही एक्स की पावर 3/3 डी एक्स, ये मैंने डायरेक्ट करके लिखा है, कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये लिख दिया। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लॉग एक्स एक्स की पावर 3/3 माइनस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा 1/3 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब जो है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स क्यूब लॉग एक्स डिवाइड बाई में 3 माइनस 1/3 इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की क्यूब 3 प्लस सी, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसको एक्स 3 लॉग एक्स 3 माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी 1/ कितना हो गया 9 एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका इतना इंटीग्रेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, आई लेट से हमने देखा कौन सा पहले आ रहा है, तो इनवर्स वाला पहले आ रहा है, ये फर्स्ट मान लिया, ये हो जाएगा सेकंड। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन इनवर्स x तो ऐसे ही रहना है, ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/ में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का तो एक्स स्क्वायर बाई टू और dx, ठीक है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x 2, यहाँ लिख करता हूँ मैं प्लस, ठीक है माइनस में अंदर लेके जाऊँगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मैं किस लिए लेके गया हूँ अंदर, अभी यहाँ पर देखना यहाँ पर देखना, अभी इसको तो मैंने ऐसे ही इसको हमें ऐसे ही रखना है, बट इतने को मैं मान लेता हूँ i1, ये हो जाएगा हमारे पास i1, तो i1 कितना है इन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वेशन हमने मान ली a, इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं, इसमें यहाँ पर पुट कर दूंगा a में, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ इसमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इसमें ऐड करा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हमने ऐड करा, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसलिए मैं इसको जो है अंदर लेकर गया हूँ, देखना यहाँ से इसको एक कट जाएगा,
ये हो गया इंटीग्रेशन, इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ अब, ठीक है। इसको अलग करके लिखा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसको मैं लिख लेता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर पावर में ले लेता हूँ हाफ, माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, है ना, यहाँ पर जो है ये पावर हाफ है, यहाँ पर बचेगा ये पावर, पावर कितनी है इसकी वन, ऊपर जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू बचेगा, देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक जो है कट गया, यहाँ पर जो पावर इसमें से वन माइनस वन अपॉइंट टू कितनी हो जाएगी, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू को मैंने लिख दिया रूट में, ठीक है। वन अपॉइंट टू को किस में लिख दिया मैंने, रूट में, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो है इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला कौन सा होता है इंटीग्रेशन का, देखो जो फार्मूले दिए गए हैं तुम्हारी बुक्स में, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है कॉन्स्टेंट ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई टू स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला होता है इसका इतना इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये जो है तुम्हें ये याद हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन में यूज़ करोगे ये याद होते चले जाएंगे, यहाँ तो ये लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मैं कर सकता हूँ इसका, देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये चल रहा है हमारे पास I1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन मैं इसके थ्रू लिखूंगा, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन x बाई टू अंडर रूट में, इसकी जगह आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू वन अपॉन टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ए की वैल्यू वन, माइनस इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी, ये बना आई वन इंटीग्रेशन। अब ये जो आई वन आया है ये मुझे पुट कर देना है ए में, ठीक है, आई वन को किस में पुट करना है मुझे, ए में, देखिए कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पर जो पुट करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास आई की जगह था एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक है, उसके बाद प्लस वन अपॉन टू आई वन, ठीक है, प्लस में वन अपॉन टू आई वन। अब आई वन की जगह हमें ये रखना होगा, जब आई वन की जगह ये रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन में टू, आई वन की वैल्यू कितनी है, ये आई वन की वैल्यू होगी एक्स बाई टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जो है हमें क्या होगा, इसको हमें स्क्वायर रूट यहाँ से ओपन करना होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ से हमें ओपन करना होगा, देखिए तो यहाँ पर जो आ रहा है ये मैं आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई होगी वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन टू इधर होगा माइनस का वन अपॉन टू
साइन इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पर हमने देख लेंगे साइन इनवर्स x, अब तो आंसर तो आ गया है, लेकिन एन सी आर टी के मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स वाले हैं, साइन इनवर्स वाला ये और साइन इनवर्स वाला ये है और साइन इनवर्स वाला ये है, कॉमन ले लेंगे। तो हमने सब में से कॉमन लिया साइन इनवर्स x, ठीक है, सब में से साइन इनवर्स x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ बचाएगा प्लस में वन अपॉइंट फोर, यहाँ बचाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू, प्लस ये ऐसे आ जाएगा वन अपॉइंट फोर एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, अब इसको करेंगे सॉल्व, साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया फोर, यहाँ आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा माइनस का टू प्लस वन अपॉन फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। उसके बाद जब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन में फोर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो आंसर होगा, ये आंसर एनसीईआरटी में दिया होगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में फोर प्लस वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर उसमें दिया गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो जो इनवर्स वाला वो फर्स्ट फंक्शन होता है, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड फंक्शन। इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x तो ऐसे ही रहना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन अपॉन टू, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू पूरे का हो गया डी एक्स इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर मैंने पहले ले लिया, ये हो गया tan इनवर्स x डिवाइड बाई में टू माइनस वन अपॉन टू मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस वन और माइनस वन करूँगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट होना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में टू माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको अलग अलग कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन टू, अब मैं जो इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, यहाँ वन बचेगा, ठीक है, तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जो हम ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई में टू, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी बाई टू, ये सी का भी काम करता है ना, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ये एज अ सी भी होगा, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ वन अपॉन टू और है ना मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ वन अपॉन टू की मल्टीप्लाई होगी वन अपॉन टू, सी में होगा सी बाई टू। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन डी एक्स, इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन ये हो गया अलजेब्रिक, यहाँ लगाएंगे हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है।
नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आ गया हमारे पास डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाई में टू माइनस वन अपॉन टू, मैंने वन अपॉन टू को बाहर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये यहाँ पर बचेगा। यहाँ माइनस प्लस प्लस करा वन, यहाँ माइनस वन कर दिया, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में टू वन अपॉन में टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कटने के बाद, ठीक है, ये पावर इसकी वन अपॉइंट टू है, तो ये वन अपॉइंट टू यहाँ से एक में से वन अपॉइंट टू जाएगा, तो वन अपॉइंट टू बचाएगा, ये स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है, इसका होता है वन माइनस, उसका होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में टू माइनस वन अपॉन टू, ये कटने के बाद यहाँ बचाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स का यहाँ पर फंक्शन है, तो मुझे जो है कॉस इनवर्स यहाँ पर करना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर यह माइनस लगा देता हूँ या प्लस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं हम और यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ भी कॉस इनवर्स बनेगा जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। ये ऐसे रहना है, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में टू, ये हो जाएगा वन अपॉन टू। अब हमें लगाना है इसका, ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था क्वेश्चन नंबर सेवन में, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं रेड पेन से लिखता हूँ यहाँ पर, इनको याद कर लेना, दो तीन ये फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, ये इसका होता है। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, एक्स है यहाँ पर एक्स बाई टू स्क्वायर रूट में ए की जगह वन, वन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए की वैल्यू वन साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, यह हो जाएगा, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। प्लस इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, हमने ऊपर करा था यहाँ पर, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का है ना, कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ हमने करा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी हमने ले लिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर हो जाएगा ये, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, वन अपॉन फोर एक्स यहाँ पर है, एक्स बाई फोर लिख दिया इसको मैंने, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमें बनाना है इसको, कॉस का फंक्शन बनाना है, ठीक है, कॉस का फंक्शन बनाना है। देखिए कॉस का फंक्शन कैसे बनेगा, ये है एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स, को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू नाइन्टी माइनस कॉस इनवर्स एक्स,
माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो है यहां पर और करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स अपॉन फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई अपॉन में एट, ठीक है, पाई अपॉन में एट प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में फोर, यह हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो एक इसलिए एक कांस्टेंट आ जाएगा दोनों को ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्शन होने के बाद। ठीक है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हमें लेना है यहाँ पर लेना होगा हमें कॉस इनवर्स एक्स कॉमन सम में से, कॉस इनवर्स एक्स मैंने कॉमन लिया सबसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर बाई टू, उसके बाद यहाँ पर प्लस में वन अपॉन फोर, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स आया, माइनस का वन अपॉन टू ये कॉमन आ गया, तो ये भी कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारी टर्म यहाँ पर आ गया, माइनस का बचा एक्स अपॉन में फोर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का पाई बाई एट प्लस सी, ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम करेंगे और, तो इसको मैं थोड़ा सा पेज एडजस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, दूसरा पेज ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर जब हम करेंगे इसमें से, यहाँ हम करेंगे कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट फोर, यहाँ टू है तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी टू की मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे टू, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स अपॉन में फोर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं एक लिख देता हूँ सी, ठीक है, या सी ए लिख देते हैं हम लोग, है ना, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, यहाँ से माइनस का वन बचाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में फोर, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन फोर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का सी ए कॉन्स्टेंट है, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन।